गुना तहसील की निलझो व डिगढो ग्राम पंचायत को नगर परिषद का दर्जा देने का प्रस्ताव जिला परिषद स्थायी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। इन दोनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में घनी आबादी की औद्योगिक बसाहटें हैं। ग्राम पंचायतों को इन बस्तियों का विकास करने में दिक्कतें आ रही हैं। इस समस्या का हल निकालने निलझो व डिगढो ग्राम पंचायत को नगर परिषद का दर्जा देने का स्थायी समिति के एजेंडे पर विषय रखा गया है। इस विषय पर चर्चा में सहभागी हुए राकंपा सदस्य दिनेश बग ने प्रस्ताव का समर्थन किया। अन्य सदस्यों का भी समर्थन मिलने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर किया गया। निलढो व डिगढो को नगर परिषद का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है, उसे स्थायी समिति के एजेंडे पर लेकर सर्वसम्मति से मंजूर हुआ। प्रशासन को प्रस्ताव सरकार के पास भेजने के निर्देश दिए गए। नमस्ते, मैं सुजीत रूपराव जी भोयर, पंचायत समिति सदस्य निलढो। जो कल प्रस्ताव पास हुआ वो डिमांड हमारी बहुत सालों से चालू है, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो लोक संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, 35,000 के ऊपर। आज के कंडीशन में 35-40,000 के आसपास है। और जो ग्राम पंचायत का इनकम का जो ये है, इनकम बहुत कम है, और ग्राम पंचायत में उतनी इनकम में डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हमको नगर परिषद आएंगी तो हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, विकास अच्छे से होगा। और डेवलपमेंट के लिए तो नगर परिषद की मांग हमारी बहुत दिनों से जारी है। हमारे क्षेत्र के आमदार समीर भाव जी में गए, इनके तरफ हमने दो बार प्रस्ताव दिए, और इस जरिए हमारे क्षेत्र का नगर परिषद में रूपांतर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे क्षेत्र में विकास बहुत तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, और ग्राम पंचायत में उसका बहुत बोझा बढ़ रहा है। तो इसलिए नगर परिषद वक्त की ज़रूरत है, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए नगर परिषद बहुत ज़रूरी है। और ये नगर परिषद निलढो डिगढो ग्राम पंचायत बहुत बड़े लोकसंख्या का क्षेत्र है, तो यहाँ हमारे को नगर परिषद मिलने को होना, ऐसी हमारी इच्छा है, पूरे जनता की इच्छा है, बस इतना ही। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।